हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी डॉट कॉम। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग में नंबर सीरीज़। तो देखिए, अगर हम बात करें सीरीज़ की, तो सीरीज़ के आपके दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है? नंबर सीरीज़। दूसरा पार्ट क्या है? अल्फ़ाबेट सीरीज़, ठीक है। अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट सीरीज़ की, तो इसके फर्दर दो पार्ट होते हैं। एक होते हैं लेटर सीरीज़ और दूसरा होता है रेपिटेशन या फिर रिपीटिंग सीरीज, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं नंबर सीरीज और इससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम इन दोनों को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज हम टोटल 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपने इस टॉपिक को पहले कवर किया है तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले खुद सोल्व करके देखना है कि आपसे सोल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको प्ले करना है और अपना जो आंसर है वो चेक कर लेना है, ठीक है। और जो एस्पिरेंट इस टॉपिक को पहली बार कर रहे हैं तो वो इस वीडियो को ए टू जेड देखिएगा विद सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 43, 48, 58, 73। तो सबसे पहली बात देखिए, ये एक सीरीज है, ठीक है, और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर ये एक दूसरे से प्लस में कनेक्ट हो सकती है या फिर माइनस में कनेक्ट हो सकती है या फिर डिवाइड में कनेक्ट हो सकती है या फिर मल्टीप्लाई में कनेक्ट हो सकती है या फिर ये सीरीज इवन नंबर से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, इवन नंबर या फिर ओड नंबर से कनेक्ट हो सकती है या फिर प्राइम नंबर से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, या फिर स्क्वायर से कनेक्ट हो सकती है या फिर क्यूब रूट से कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो नंबर सीरीज में मेनली इन्हीं ऑपरेशंस का यूज किया जाता है, यानी कि इन्हीं ऑपरेशंस के थ्रू ये आपस में कनेक्ट होती है, ठीक है। तो आज हम टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, तो इनमें से कम आपको 15 ऐसे रूल देखने को मिलेंगे जिनसे ये आपस में कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे और इसके बाद आपको 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है, और टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज से एज ए प्रैक्टिस करने हैं, ओके। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 43। तो देखो, मैं क्वेश्चन को जो सोल्व है वो अलग से करूंगा, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन बिल्कुल साफ दिखता रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 43, 58, 73 आगे बताइए क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात यहां पर आप देख पा रहे हो कि इनमें जो डिफरेंस है वो काफी कम है, क्या है, काफी कम है। तो जहां पर डिफरेंस काफी कम होगा तो वहां पर या तो माइनस होगा, यानी कि इन दोनों में माइनस का ऑपरेशन होगा या फिर प्लस का ऑपरेशन होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले यही ट्राई करने हैं। तो 43 और 48 डिफरेंस देखो कितना है, अगर हम 43 में से प्लस 5 करेंगे तब 48 बन जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम 48 में जब हम 10 प्लस करेंगे 48 बन जाएगा, यानी कि आपको 48 माइनस 43 करके देखना है, 58 माइनस 48 करके देखना है, ठीक है। तो 10 का डिफरेंस होगा, यानी कि 48 में अगर हम 10 प्लस करेंगे तो 58 आएगा। उसके बाद आपको 73 माइनस 58 करके देखना है, यानी कि आपको माइनस 50 देखने को मिलेगा, 15, ठीक है। तो यानी कि यहां पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से आपको यहां पर डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पहले दोनों संख्याओं में कितना डिफरेंस है, 5 का है, उसके बाद कितना डिफरेंस है, 10 का है, उसके बाद कितना डिफरेंस है, 15 का है, अब उसके बाद 20 का डिफरेंस होगा, कितने का होगा, 20 का, यानी कि आपको 73 प्लस 20 करना है तो नेक्स्ट जो संख्या होगी वो आ जाएगी, तो कितना होगा, 93। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 16, 15, 12, 7 नेक्स्ट बताइए क्या होगा। अब देखिए, अब यहां पर भी डिफरेंस काफी कम है, ठीक है, मतलब यहां पर आपको फिर से माइनस और प्लस करके देखना है, ठीक है। तो 16 में से अगर हम माइनस 1 करेंगे तो आपका 15 आएगा, 15 में से अगर हम माइनस 3 करेंगे तो आपका 12 आएगा, ठीक है, और अगर हम 12 में से माइनस 5 करेंगे तब आपका 7 आएगा, ठीक है। अब देखिए, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये कौन से नंबर्स हैं बताइए, तो ये आपके ओड नंबर हैं, कौन से नंबर हैं, ओड नंबर है, ठीक है। तो पहले में डिफरेंस कितना है, माइनस 1 का, दूसरे में डिफरेंस कितना है, माइनस 3 का, तीसरे में डिफरेंस कितना है, माइनस 5 का, ठीक है। तो नेक्स्ट ओड नंबर कौन सा है, 7, यानी कि
आपको नेक्स्ट संख्या में माइनस सेवन करना है। तो सात में से अगर हम सात को यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, जीरो बचेगा। कितना बचेगा, जीरो बचेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 49, 64, यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, उसके बाद 100 और उसके बाद 121। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको मेनली फोकस क्या करना है कि इन सभी संख्याओं में कनेक्शन क्या है, यानी कि ये संख्याएं आपस में किस तरह से जुड़ी हुई हैं, समझ रहे हो ना। बस आपको यही फाइंड आउट करना है। तो जिन लोगों ने स्केयर्स याद किए हैं कि 7 का स्केयर क्या होगा, 6 का स्केयर क्या होगा, 5 का स्केयर क्या होगा, 3 का क्या होगा, 7 का क्या होगा, 8 का क्या होगा, ठीक है, तो उनको पहली नज़र में ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्केयर रूल लगा हुआ है। कौन सा रूल, स्केयर रूल लगा हुआ है। ठीक है, तो 7 का स्केयर कितना होता है, 49। 8 का स्केयर कितना होता है, 64। 10 का स्केयर कितना होता है, 100। और 11 का स्केयर कितना होता है, 121। यानी कि 7 का स्केयर, 8 का स्केयर, अब यहाँ पर 9 का स्केयर आएगा, यानी कि 9 का स्केयर, 99 का 81, मतलब यहाँ पर 81 होगा। क्या होगा, 81 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। ठीक है, बात पल्ले बैठ रही है ना, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21। देखो यहाँ पर जो सीरीज है वो काफ़ी लंबी है, तो कुछ लोग जो है वो यहीं पर ही डर जाते हैं कि ये मेरे से सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको डराने के लिए ही डाले होते हैं, लेकिन जब हम उनको सोल्व करते हैं तो वो विद इन 20 सेकंड में सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन चाहे जितना मर्जी बड़ा हो आपको डरना नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, 19, 11, 13, 16, 15, 17, 13, 19, 21। ठीक है, अब थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सबसे पहली बात कि अगर कोई भी संख्या बड़ी हो तो मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा सीरीज हो सकती है। क्या बोला मैंने, एक से ज़्यादा सीरीज हो सकती है। देखिए कैसे, अब यहाँ पे आप देखिए 19 में से अगर मैं माइनस 3 करूँ तब आपका क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 में मैं माइनस 3 करूँ तो आपका माइनस 13 आएगा। अब 13 में अगर मैं माइनस 3 करूँ तब आपका क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर मैं दो नंबर्स को छोड़ के कनेक्ट कर रहा हूँ, यानी कि पहला जो नंबर होगा वो चौथे नंबर के साथ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर दो छोड़ के फोर्थ नंबर, ठीक है, तो ये इस तरह से कनेक्ट हो रहा है और इनमें डिफरेंस कितना है, माइनस 3 का। कितना डिफरेंस है, माइनस 3 का। तो यहाँ पर फिर से माइनस 3 का डिफरेंस होगा, यानी कि अगर हम 13 में से माइनस 3 करें तो नेक्स्ट संख्या क्या आएगी, बोलो क्या आएगी, 10। क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहली जो संख्या है वो आपकी चौथी संख्या से जुड़ी हुई है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर दूसरी और तीसरी संख्या की कनेक्टिविटी देखूँ, यानी कि ये आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि अगर मैं यहाँ पर 11 में प्लस 2 करूँगा तब आपके 13 बनेंगे। ठीक है, 15 में मैं प्लस 2 करूँगा तब आपके कितने बनेंगे, 17 बनेंगे। ठीक है, 19 में मैं प्लस 2 करूँगा तब आपके कितने बनेंगे, 21 बनेंगे। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या, यहाँ पर क्या आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पहली और चौथी संख्या को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये है कि कोई भी बड़ी संख्या जो है उसमें एक से ज़्यादा सीरीज हो सकती है। ठीक है, बस आपको पहचाननी आनी चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42 and so on, बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर भी डिफरेंस काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ पर आपका प्लस रूल या फिर माइनस रूल यूज होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 plus 2, 2 plus 4, 6, 6 plus 6, 12, 12 plus 8, 20, 20 plus 10, 30, 30 plus 12, 42। यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये क्या है आपके, इवन नंबर्स है। क्या है, सम संख्याएं हैं। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है,
सम संख्याएं हैं। तो मतलब नेक्स्ट जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका 14 ऐड होगा, क्योंकि 12 के बाद 14 आपकी सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। तो 42 में से अगर हम 14 को प्लस करते हैं तब आपका 56 आता है। क्या आता है? 56 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? 56 होगा। समझ रहे हो ना? तो सबसे पहले आपको देखना क्या है कि अगर यहाँ पर गैप कम है, ठीक है, क्या है? गैप कम है। यहाँ पर क्या है? 2 का गैप है। यहाँ पर क्या है? 4 का गैप है। यानी कि यहाँ पर आपका प्लस माइनस रूल लगेगा, ठीक है। अगर आपकी संख्या ऐसे हो 6, 20, 46, देखो अगर आप लास्ट संख्या में डिफरेंस देखोगे तब आपको डिफरेंस काफी लंबा देखने को मिलेगा। 46 के बाद डायरेक्ट आपका 326 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीपल रूल लगेगा, ठीक है। आपको लास्ट नंबर पर चेक करना है कि इनमें जो डिफरेंस होगा वो काफी बड़ा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल रूल लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसे पहचानना आना चाहिए, ठीक है। अगर सीरीज आपकी लंबी जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर एक से ज्यादा सीरीज है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि 56। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 507251, यहाँ पर क्या आएगा? 59, 27 और 11। अब देखिए जो बात मैं पहले कर रहा था वो अभी यहाँ पर आपकी अप्लाई होने वाली है, ठीक है। अब देखिए 251 है, इसके बाद आपका डायरेक्ट 507 आ गया, यानी कि यहाँ पर आपका जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपका मल्टीपल रूल लगने की संभावना काफी ज्यादा है, ठीक है। देखिए अब देखिए 27 में अगर हम मल्टीपल रूल देखें तो 11 2 का 22 होता है, यानी कि ये आपका 22 के पास में है। 22 से कितना ज्यादा है? +5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम 27 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें तो 72 का 14 और 54 आ गया। तो 54 और 57 में डिफरेंस कितना है? +5 का, ठीक है। मतलब ये जो संख्याएं हैं ये आपस में मल्टीपल वाई 2 प्लस 5 से कनेक्ट है, मल्टीपल वाई 2 प्लस 5 से कनेक्ट है। यानी कि अगर मैं 11 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसमें 5 ऐड करूं तो मेरा यहां पर 27 आएगा, ठीक है। अगर मैं 27 को 2 से मल्टीप्लाई करूं और 5 ऐड करूं तब आपका 59 आएगा, ठीक है। तो मतलब जो इसकी नेक्स्ट संख्या होगी तो वो क्या आएगी? 59 में अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूं तब क्या आता है? 9 2 का 18 और 11, ठीक है। तो कितना आया? 118। तो इसमें अगर मैं 5 को प्लस करूं तब कितना बनेगा? 123 बनेगा। कितना बनेगा? 123। यानी कि यहां पर आपका 123 आएगा, ठीक है। देखिए आपको यहां पर ही इस ऑपरेशन को अप्लाई करके नहीं देखना है, जहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मतलब अगर आपको बीच की संख्या पूछी हो तब आपको एक बार और भी यहां पर ट्राई कर लेना है, ठीक है। यानी कि आपको 123 मल्टीपल वाई 2, 3 2 का 6, 2 2 का 4, 2 1 का 2 प्लस 5 करके देखना है कि आपकी नेक्स्ट संख्या यहां पर आ रही है या फिर नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए जो नेक्स्ट संख्या है वो यहां पर आ रही है, यानी कि 123 आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 123 राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 13 40 104, नेक्स्ट क्या आएगा बताइए। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है? काफी कम है, यानी कि यहाँ पर हम सबसे पहले प्लस और माइनस का रूल लगा के देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं 13 में से 5 को माइनस करूं तब मेरा क्या आएगा? 8 आएगा, यानी कि 5 + 8 = 13, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 40 में से 13 माइनस करूं तो क्या आएगा? 27, यानी कि 13 में से अगर मैं यहाँ पर 27 प्लस करूं तब आपका 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 104 - 40 = 64। अब आपको कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? नजर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा? देखिए अगर मैं यहाँ पर 2 का क्यूब करूँ तब आपका क्या आएगा? 8, ठीक है। 3 का क्यूब करूँ तब आपका क्या आएगा? 3 3 का 9, 9 3 का 27, ठीक है, यानी कि 3 का क्यूब। यहाँ पर अगर मैं 4 का क्यूब करूँ तब आपका क्या आएगा? 4 4 का 16, 16 4 का 64, यानी कि ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है, यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी वो आपकी 5 की क्यूब होगी। यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो आपका 120
5 होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर 104 प्लस 125 करूं तब आपका क्या आएगा, 229, क्या आएगा, 229, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, समझ रहे हो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। तो नेक्स्ट है 5, 11, 17, 25, 33 और 43, नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो देखो यहाँ पर भी डिफरेंस काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ पर हम फिर से प्लस और माइनस वाला रूल अप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। चलिए तो 11 माइनस 5 यानी कि प्लस 6 करेंगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है। तो 17 माइनस 11 प्लस 6, 25 माइनस 17 यानी कि प्लस 8, 33 माइनस 25 यानी कि प्लस 8, ठीक है। तो 43 माइनस 33 यानी कि 10 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर आप देखिए कि दो बार 6 का डिफरेंस है, दो बार 8 का डिफरेंस है, तो मुझे बताइए ये 6 और 8 है क्या, ये आपके इवन नंबर है, क्या है, सम संख्याएं हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 10, यानी कि 10 भी क्या है आपकी, एक इवन नंबर है, सम संख्या है, यानी कि यहाँ पर दो का पेयर बन रहा है, 6-6 का डिफरेंस होगा, 8-8 का डिफरेंस होगा, यानी कि अब फिर से 10 का डिफरेंस होगा, क्या होगा, 10 का डिफरेंस होगा। तो 43 प्लस 10 अगर हम करेंगे तब आपका यहाँ पर 53 आएगा, क्या आएगा, 53, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे ही पॉइंट्स में आपको कोई सीरीज देखने को मिलती है तब काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट हैं वो डर जाते हैं, वो देख के ही घबरा जाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स में जो सीरीज होगी वो सिर्फ आपको डराने के लिए डाली हुई होती है, ठीक है। इसके पीछे का जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल आसान होता है, ठीक है। चलिए करके देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, 1.5, 9/4, 3, नेक्स्ट बताओ क्या होगा, उसके बाद 4.5, नेक्स्ट क्या है, 21/4। देखो सबसे पहले आपको होमोजीनियस सीरीज बनानी है, ठीक है, यानी कि आपको या फिर पॉइंट्स में सीरीज बनानी है या फिर आप यहाँ पर डिवाइड में सीरीज बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पॉइंट्स में सीरीज बना लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या है 1.5, तो इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पर पॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो करना कैसे है, 9 जो ऊपर लिखा है उसको अंदर लिखना है, उसके बाद जो नीचे है उसको बाहर लिखना है, 4 2 का 8, 1 पॉइंट लगाओ 0 आ जाएगा, 4 2 का 8 डिफरेंस 2, पॉइंट पहले से लगा हुआ है 0 लगाओ, 4 5 का 20। तो 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.25, ठीक है, यानी कि 2.25 आपका 9/4 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 3, तो इसको हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4.5, नेक्स्ट हम फिर से 21/4 को चेंज करते हैं, तो 4 5 का 20, 1 डॉट लगाएंगे, 4 2 का 8, 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगेगी, और 4 5 का 20, ठीक है। तो कितना आया, 5.25, ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर सीरीज जो है वो पॉइंट्स में चेंज कर दी है, ठीक है। अब आपको फिर से वही मेथड लगाना है, प्लस माइनस जो भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम लग रहा है मुझे, मतलब यहाँ पर मैं सबसे पहले प्लस माइनस वाला ऑपरेशन लगा के देखूंगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं 2.25 में से 1.5 को माइनस करता हूँ तब यहाँ पर 0.75 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पर करके भी देख सकते हैं, 2.25, 1.5 को माइनस जब आप करोगे तो 5 का 5 आएगा, 12, तो 12 में से 5 को माइनस करते हो तो कितना बनेगा, 7, और यहाँ पर हमने क्या किया था, एक कैरी किया था, ठीक है। तो 1 माइनस 1 0, तो 0.75 का यहाँ पर डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम 3 में से 2.25 को माइनस करते हैं तो फिर से आपका 0.75 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 5.25 में से 4.5 को माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है, 5.25 माइनस 4.5, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगाना है, तो देखिए 5 कैरी किया हमने यहाँ पर, फिर से 7 आ गया, और 4 माइनस 4 0, ठीक है।
तो यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 0.75 का। तो हम यहाँ पर ऐसी संख्या रखेंगे जिसमें डिफरेंस कितना होगा 0.75 का, यानी कि हम 3 प्लस 0.75 करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 3.75, क्या आएगा 3.75, ठीक है। तो अगर हम 1.5 प्लस 0.75 करेंगे तब आपका 2.25 आएगा, ठीक है। तो 2.25 में अगर हम 0.75 प्लस करते हैं तब आपका 3 बनेगा। तो 3 में जब हम 0.75 को प्लस करते हैं तब हमारा 3.75 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 60, 72, 90, 121, 172, नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर तो डिफरेंस काफ़ी कम है, ठीक है, मतलब यहाँ पर आपका प्लस और माइनस रूल लगेगा, ठीक है। तो चलिए लगा के देखते हैं। तो अगर मैं 72 माइनस 60 करूँगा तब यहाँ पर डिफरेंस कितना होगा 12 का, ठीक है। उसके बाद 90 माइनस 72 करूँगा तो डिफरेंस कितना होगा 18 का, कितना होगा 18 का, आप करके देखना, ठीक है। 121 माइनस 90 करेंगे तो डिफरेंस आपका 31 का होगा, ठीक है। 172 माइनस 121 करेंगे तो डिफरेंस आपका 51 का होगा, ठीक है। अब 12, 18, 31, 51 कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, कुछ पता नहीं लग रहा, ठीक है। तो जब आपको सीरीज का पता ही ना लगे तब आपको फिर से यहाँ पर माइनस करके देखना है कि इनमें कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो 18 माइनस 12 यानी कि 6 का डिफरेंस है, 31 माइनस 18 यानी कि 13 का डिफरेंस है, ठीक है। 51 माइनस 31 यानी कि 20 का डिफरेंस है। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि अगर मैं 13 माइनस 6 करता हूँ तब मुझे 7 मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 20 माइनस 13 करता हूँ तब मुझे 7 मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब नेक्स्ट जो संख्या होगी उसमें भी 7 का ही डिफरेंस होगा, मतलब 27 आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। मतलब जो नेक्स्ट संख्या होगी उसमें हमको 27 प्लस करना है। अब देखो यहाँ पर 7 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस आएगा। तो 7 को आपने इसके साथ प्लस करना है, किसके साथ करना है, इसके साथ, ठीक है। तो जो भी आपका आएगा वो आपको यहाँ पर रखना है। उसके बाद आपको 27 प्लस 51 करना है, ठीक है। जो भी आपका आएगा वो आपने यहाँ पर रखना है, कहाँ पर, यहाँ पर 78 आएगा, ठीक है। अब देखो 78 आपका यहाँ पर आ गया, मतलब 172 प्लस 78 जब हम करेंगे तब आपकी नेक्स्ट संख्या जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो 172 प्लस 78 तब आपका यहाँ पर 250 आएगा, ठीक है। यानी कि जो आपकी नेक्स्ट संख्या होगी वो क्या होगी, 250। अब देखो ऐसे तो हमको कुछ पता लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगेगा, ठीक है। तब हमने क्या किया कि बार बार इनका डिफरेंस देखा, ठीक है, और लास्ट में हमको यहाँ पर 7 देखने को मिल रहा है, मतलब इनमें 7-7 का डिफरेंस है। फिर हमने यहाँ से ही नेक्स्ट जो संख्या है वो निकाल ली और इसको ऐड करके यहाँ पर हमने जो एक्चुअल में संख्या है वो उसको हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले जहां पर आपको कुछ भी ऑपरेशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको इनका डिफरेंस करके देखना है, बार बार करके देखना है। लास्ट में अगर आपको कुछ दिखता है तो वहां से आप इन संख्याओं को निकाल के नेक्स्ट संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से हम सेम टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 12, 36, 80, 150, 252 एंड नेक्स्ट संख्या बताओ क्या आएगी। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है, ठीक है, काफ़ी कम है। तो मतलब हम यहाँ पर प्लस और माइनस का रूल लगाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कुछ बनता है। तो 36 माइनस 12 24, ठीक है, 80 माइनस 36 44, 150 माइनस 80 70, 252 माइनस 150 102, ठीक है, करके देखना आप। तो देखिए यहाँ से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। हम फिर से इसको क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पर इनका डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो 44 माइनस 24 20, 44 माइनस 70 कितना होगा 26,
और 102 माइनस 70 32। तो यहाँ से मुझे कुछ समझ में तो आ रहा है कि यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, यानी कि नेक्स्ट जो संख्या होगी उसमें भी 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि इसको आपने इसके साथ प्लस करना है, कितना आएगा 38, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, फिर से इसको आपने प्लस करना है इसके साथ। ठीक है, 102 प्लस 38 तो कितना आएगा 140 आएगा। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो 140 का होगा। ठीक है, तो अब आपको 140 को 252 के साथ प्लस करना है, तो आपका नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो कितना है 252 140 392। ठीक है, कितना है 392। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? देखिए, आपको मैं फिर से करके बताता हूँ, एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी कम है, ठीक है, और सीरीज लंबी नहीं है। अगर लास्ट संख्या में गुना दो का डिफरेंस होता या फिर इससे ज़्यादा का होता, यानी कि यहाँ पर हम मल्टीपल रूल अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, लेकिन 150 मल्टीप्लाई 2 यानी कि आपका 300 के पास आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 252 आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल जो रूल है वो नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा लगेगा? यहाँ पर आप देखिए डिफरेंस क्या है, कम है, मतलब यहाँ पर हम फिर से प्लस और माइनस वाला जो रूल है वो अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो जब मैंने यहाँ पर 36 माइनस 12 किया तो मुझे यहाँ पर 24 प्राप्त हुआ, यानी कि 24 निकल के आए। ठीक है, यानी कि 36 माइनस 12 24। जब मैंने यहाँ पर 80 माइनस 36 किया तब मुझे यहाँ पर 44 प्राप्त हुए। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर 150 माइनस 80 किया तब मुझे यहाँ पर 70 प्राप्त हुए। जब मैंने 252 माइनस 150 माइनस किया तब यहाँ पर मुझे 102 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको देखूँ तब भी मेरे माइंड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपस में किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जब भी समझ में ना आए आपको फिर से माइनस करके देखना है। ठीक है, तो 44 माइनस 24 20। ठीक है, 70 माइनस 44 26। ठीक है, 102 माइनस 70 32। अब थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि इन दोनों संख्याओं में 6 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 6 का डिफरेंस है, यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी उसमें भी 6 का ही डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे यहां पर 7 का डिफरेंस था ना लास्ट क्वेश्चन में, वैसे ही यहां पर 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संख्या आएगी? जब हम 32 को प्लस करेंगे 6 के साथ तो वो संख्या आपकी यहां पर आएगी, यानी कि 38। ठीक है, तो 32 प्लस 6 38। अब आपको 38 को 102 के साथ प्लस करना है तो वो आपकी नेक्स्ट संख्या आएगी। ठीक है, तो कितना बना? 140 बना। तो यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी उसमें 140 का डिफरेंस है, मतलब आपको 140 प्लस करना है 252 के साथ, तब आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 252 140 जब आप करोगे तो 392 आपका जो है वो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 392 आपका क्या है? सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 18 54 486 1458। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। कितना डिफरेंस है? काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका मल्टीपल रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? मल्टीपल रूल लगेगा। मैंने आपको बताया था यानी कि आपको किसी भी नंबर सीरीज का लास्ट दो नंबर देखने हैं। अगर यहाँ पर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि मल्टीपल बाय 2 या फिर मल्टीपल बाय 3 का डिफरेंस है, तो इसका मतलब हुआ कि इस पूरी सीरीज में आपका मल्टीपल रूल लगने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि 486 का लगभग मल्टीपल बाय 3 है 1458। ठीक है, मतलब यहाँ पर मल्टीपल रूल लगेगा। तो चलिए यहाँ पर हम मल्टीपल रूल लगा के देखते हैं। तो जब मैंने यहाँ पर 6 को मल्टीप्लाई 3 किया तो मेरा 18 आ गया। ठीक है, और जब मैंने 18 को मल्टीपल बाय 3 किया, ठीक है, तो 54 आ गया। मतलब जब मैं यहाँ पर 486 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब मेरा ये आना चाहिए, तब जाके आपका ये जो रूल है ये एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। 6 3 का 18 8 8 3 का 24 5 और 4 3 का
12 to 14, ठीक है। तो 1458 मुझे यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और ये आपका यहाँ पर है भी, ठीक है। मतलब यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, मल्टीपल बाय 3, ठीक है। तो मतलब जो नेक्स्ट संख्या होगी वो भी आपकी 54 की मल्टीपल 3 होगी, ठीक है। तो 54 मल्टीपल बाय 3 तो आपका 162 राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या राइट आंसर है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, आपको लास्ट संख्या देखनी है कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है, गुना 2 या फिर गुना 3 का होना चाहिए इस नंबर से, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पर मल्टीपल रूल लगने की संभावना मैक्सिमम है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 15, 24, 39 और 63, नेक्स्ट बताइए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर लास्ट संख्या का डिफरेंस क्या है, कम है, यानी कि यहाँ पर मल्टीपल रूल नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सा रूल लगेगा, प्लस और माइनस का, अब देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं यहाँ पर इनका डिफरेंस देखूँ तो मुझे 3 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर से डिफरेंस देखूँ 6 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर से डिफरेंस देखूँ 9 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर से डिफरेंस देखूँ 15 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, फिर से डिफरेंस देखूँ 24 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब देखिए 3, 6, 9, 15, 24, तो देखो यहाँ पर तो 3 का गैप है, ठीक है, यहाँ पर भी 3 का गैप है, लेकिन यहाँ पर 6 का गैप है और फिर यहाँ पर भी 9 का गैप है, यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए आपको इन संख्याओं पर भी ध्यान देना है, इन संख्याओं पर, ठीक है। कैसे, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर मैं इन दोनों संख्याओं को प्लस करूँ तो ये नेक्स्ट संख्या बन रही है कि नहीं बन रही, बताइए। 9 + 6 करूँ तो 15 आएगा कि नहीं आएगा। अब मैं फिर से 15 में 9 + करूँ तब आपका 54 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर 15 के साथ 24 को ऐड करूँ तब आपका 39 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पर 24 में 39 + करूँ तब आपका 63 यहाँ पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, करके देखो 39, 24, 13, 63, ठीक है, आ रहा है ना। मतलब जो नेक्स्ट संख्या होगी वो आपका इन दोनों का एडिशन होगा, तो 63, 39, 102, यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी वो आपकी 102 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो आपको इनमें भी देखना है कि यहाँ पर ये दोनों संख्याएं आपस में कनेक्ट तो नहीं है, यानी कि दोनों संख्याओं का जोड़ आपका नेक्स्ट संख्या तो नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। तब भी मैंने आपको बोला था कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तब भी आप इस टॉपिक को जो है वो अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी संख्या किस किस तरह से आपस में जुड़ी हुई रह सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, 49.5, फिल इन द ब्लैंक्स, 45.5, 42, 37.5। अब फिर से आप डर गए, क्यों डरे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पॉइंट्स है, यानी कि जो संख्या है ये पॉइंट्स में है, ठीक है। तो देखिए डरना नहीं है, बिल्कुल आपको सेम रूल अप्लाई करने हैं यहाँ पर भी, ठीक है। क्या रूल, कि अगर यहाँ पर डिफरेंस कम है, मतलब यहाँ पर आपको प्लस माइनस रूल लगा के देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कम ही है, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लस माइनस रूल अप्लाई करके देखेंगे। तो 50 - 49 जब हम करेंगे तो कितना डिफरेंस है, 0.5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या आता है, इससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इनमें माइनस करें तो क्या आएगा। तो 45 - 5 में अगर मैं 42 को माइनस करूँ तब क्या आएगा, 3.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 3.5 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या डिफरेंस है, 42.0, 37.5 में डिफरेंस देखते हैं, तो 1 यहाँ पे कैरी हो गया 5, 11 में 7 गए 4 और 0, यानी कि 4.5 का डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो 4.5, 3.5, अब यहाँ पर कितना डिफरेंस होगा, 2.5 का, ठीक है, ये कम है। इसमें हमने 4.5 ऐड किया, 42 आ गया, 42 में हमने 3.5 को ऐड किया, 45.5 आ गया,
अब हम इसमें 2.5 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 45.5 जो हम ऐड करेंगे तब आपका क्या बनेगा, 48। क्यों, 5 + 5 = 10, 1 carry on 8, 48, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या बन रहा है, 48 बन रहा है। देखिए जब भी आपका जो fill in the blanks है, यानी कि जो खाली स्थान होगा जहां पर हमने नंबर लिखना है, वो अगर वो आपका सेंटर में होगा तब आपको सबसे पहले इनका डिफरेंस तो देखना ही है, ठीक है। इन नंबर्स के डिफरेंस के अकॉर्डिंग आपको ये नंबर नहीं लगाना है, आपको फिर से इस नंबर का जो रिलेशन है वो नेक्स्ट भी देखना है एक बार, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इन संख्याओं को देख के इस नंबर को लगा देते हो और उसके बाद इस संख्या की जो कनेक्टिविटी है, यानी कि इस संख्या का जो रूल है जो कि यहाँ से बन रहा था, वो अगर यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो मतलब ये जो संख्या है वो गलत होगी, नहीं समझे। अगर यहाँ पर 4.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 3.5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 2.5 का डिफरेंस है, यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी यहाँ पर 1.5 का डिफरेंस होना चाहिए, अगर नहीं है मतलब ये संख्या गलत है। अब देखते हैं 48 प्लस जब हम यहाँ पर 1.5 करेंगे तब आपकी ये संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आती है तो मतलब ये गलत है। तो चेक करते हैं 5 9 49, तो 49.5 आपका यहाँ पर आ चुका है, यानी कि 48 आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 3 6 11 18, नेक्स्ट बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंस क्या है, कम है। क्या डिफरेंस है, कम डिफरेंस है, यानी कि आपको यहाँ पर प्लस और माइनस वाला रूल जो है वो अप्लाई करना है। तो 3 - 1 2 होगा, 6 - 3 3 होगा, 11 - 6 5 होगा, ठीक है, और 18 - 11 7 होगा। अब यहाँ पर आप देखिए कि 2 3 5 7 ये कौन सी संख्याएं होती है, और 1 3 5 7 ये कौन सी संख्याएं होती है। देखिए अगर आपकी संख्या 2 से स्टार्ट हो, इसका मतलब ये आपका प्राइम नंबर है, ठीक है, मतलब ये जो सीरीज है ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है। अगर यहाँ पर पहली संख्या 1 आए, इसका मतलब ये जो सीरीज है ये आपकी ऑड नंबर की सीरीज है, यानी कि विषम संख्या की सीरीज है, ठीक है, नहीं समझे। देखिए 2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 so on। तो देखिए सॉरी यहाँ पर 1 आएगा, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, ये आपके ओड नंबर्स है, ठीक है, ये आपके क्या है, ओड नंबर्स है, ठीक है। अगर पहली संख्या आपकी 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 11 13 17 23, ठीक है, तो ये जो सीरीज है ये आपकी प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है। क्यों, देखिए 1 आपका कभी भी प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है, आपको क्वेश्चन में डाल दिया जाएगा 1 इज द प्राइम नंबर और नॉट। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि 1 को प्राइम नंबर में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब यहां पर आप देखो कि यहां पर पहली संख्या क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ओड नंबर्स वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए कि 1 को हम प्राइम नंबर में इंक्लूड क्यों नहीं करते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कि ऐसे नंबर जो 1 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं और खुद से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं उसको हम बोलेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। अब जैसे कि 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है, कैसे, 2 आपका 1 से डिवाइड हो जाता है, हो जाता कि नहीं होता, 1 2 का 2 यानी कि ये आपका 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ जो 2 है वो आपका खुद यानी कि 2 से भी डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 2 1 का 2 कंप्लीटली डिवाइड। तो ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड हो जाए और जो खुद से डिवाइड हो जाए वो आपके प्राइम नंबर्स होती है। आपने यही पढ़ा था पहले, यही पढ़ा था ना, ये इसकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए अगर इसी डेफिनेशन को मैं 1 के साथ अप्लाई करूं तो ये दोनों के दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। देखिए कैसे, 1 जो है आपका ये आपका 1 से भी डिवाइड करता है, ठीक है, 1/1, ये आपका खुद से भी डिवाइड होता है,
खुद क्या है, वन है, तो ये वन से भी डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये भी आपका प्राइम नंबर होना चाहिए था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस डेफिनेशन में ही कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। तो देखिए एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या, ऐसे नंबर जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर हो वो आपके प्राइम नंबर में इंक्लूड होंगे, सिर्फ और सिर्फ टू पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टू, ठीक है। अब आपको पता है कि आप चाहे कोई भी संख्या ले लो वो हमेशा वन से डिवाइड तो होती ही होती है, और ये क्या है, एक पॉजिटिव डिवाइजर है, यानी कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो पहली तो संख्या क्या हो गई, वन हो गई, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जिनके दो पॉजिटिव डिवाइजर हो वो आपके प्राइम नंबर्स में आती है, ठीक है। अब मैं यहां पर वन को लेकर चलता हूं, तो इसकी भी दो पॉजिटिव डिवाइजर होने चाहिए, लेकिन यहां पर है क्या, एक, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक डिवाइजर है, कौन है, वन। वन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन के अलावा किसी के साथ भी डिवाइड नहीं हो सकता, आप चाहे चेक करके देखना, ठीक है। यानी वन के पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं, ओनली वन, ठीक है। तो इसीलिए वन आपका कभी भी प्राइम नंबर में इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर सेवन को लेके चलूं, तो सेवन आपका एक तो वन के साथ डिवाइड होगा, ठीक है, दूसरा सेवन खुद के साथ डिवाइड होगा, यानी सेवन के दो पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि दो पॉजिटिव डिवाइजर है, एक तो वन है और दूसरा सेवन है। लेकिन इस केस में क्या था, इसके एक ही पॉजिटिव डिवाइजर है, वो क्या है, वन है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर कितना डिफरेंस है, 2, 3, 5, 7, तो इसका मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। इसका मतलब जो नेक्स्ट जो डिफरेंस होगा वो आपका होगा 11, 9 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 9 आपका प्राइम नंबर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। मतलब 18 प्लस 11 जब आप करोगे तब आपकी जो नेक्स्ट संख्या है तो वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब जो आपकी नेक्स्ट संख्या है वो क्या है, 29, ठीक है, क्या है, 29, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1.5, 9/4, 3, 4.5, 21/4। आई थिंक आपने ये क्वेश्चन कर लिया है, इसका राइट आंसर क्या था, 3.75, आई थिंक आपने ये कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 165, 195, 255, 285, 345 एंड नेक्स्ट, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी क्या है, डिफरेंस काफ़ी कम है, यानी कि यहाँ पर आपका फिर से प्लस और माइनस वाला रूल लगेगा, ठीक है। तो देखिए 165 यानी कि 195 माइनस 165 कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 255 माइनस 195 60 होगा। अब फिर से देखते हैं, 285 माइनस 255 फिर से 30 का डिफरेंस है, 345 माइनस 285 फिर से 60 का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि 30, 60, 30, 60, मतलब यहाँ पर 30, 60, 30, 60 का डिफरेंस है, यानी कि अब यहाँ पर 60 आ गया, अब नेक्स्ट कितने का डिफरेंस होगा, 30 का डिफरेंस होगा, यानी कि 345 प्लस 30 375 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, 3, 6, 5, 7, 10, 11, 13, 16 and fill in the blanks 21 and 24। अब देखो सीरीज काफी लंबी है, इसका मतलब हुआ कि इस एक सीरीज में मल्टीपल सीरीज हो सकती है, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा सीरीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कुछ नज़र आ रहा है कि अगर मैं 6 में 4 प्लस करूँ तो मेरा 10 बनता है, ठीक है, यानी कि दो संख्याओं को छोड़कर। अगर मैं दो संख्याओं को छोड़कर 10 में 6 प्लस करूँ, यानी कि 10 में 6 प्लस करूँ तो मेरा 16 बनता है, ठीक है। दो संख्याओं को छोड़ के अगर मैं 16 में 8 प्लस करूँ तब मेरा 24 बन रहा है, लेकिन मुझे यहाँ का पता नहीं चल रहा है, ठीक है।
तो इसका मतलब हुआ कि मुझे इसका रोल देखना पड़ेगा कि ये आपस में किस तरह से कनेक्ट है, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा। तो एक में अगर मैं यहाँ पर 4+ करूँ तो मेरा 5 आएगा, ठीक है, 5 में अगर मैं 6+ करूँ तो मेरा 11 आएगा, 11 में अगर मैं 8+ करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी नेक्स्ट संख्या जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो क्या लग रहा है कि मुझे कि यहाँ पर 19 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1+4 किया 5 आ चुका है, 5+6 किया 11 आ गया, 11+ जब मैं 8 करूँगा तो मेरा यहाँ पर 19 आएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 1, 2, 6, 24 एंड देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 6-3 का 18 और 6-4 का 24, यानी कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो मल्टीपल बाय 4 का है, मतलब कि यहाँ पर आपका मल्टीपल रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? मल्टीपल रूल लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे लगेगा। अगर मैं 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, ठीक है, 1 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आएगा, 2 के साथ अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूँ तो 6 आएगा, 6 के साथ अगर मैं 4 मल्टीप्लाई करूँ 24 आएगा, 24 के साथ मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है कि जो नेक्स्ट आएगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, मतलब कि 24 के साथ मुझे यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई करके देखना है जो कि मेरी अगली संख्या निकाल देगा, ठीक है। तो 24 मल्टीपल बाई 5 120, तो मेरी अगली संख्या क्या आएगी 120, क्या आएगी 120, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट दो संख्याएं देखनी है कि अगर इन संख्याओं में, यानी कि जो सेकंड लास्ट और लास्ट संख्या का जो रिलेशन है वो अगर मल्टीपल में आता है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में आपका मल्टीपल रूल लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 10, 28, 91, 370 एंड नेक्स्ट बताइए क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यहाँ पर मल्टीपल रूल लगेगा। वो कैसे पता है? क्योंकि 91 को जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपका 370 से भी कम आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो इन दोनों का रिलेशन है वो मल्टीपल बाय 4 के साथ है या फिर मल्टीपल बाय 3 के साथ है, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में, इस पूरी सीरीज में आपका मल्टीपल रूल लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है। लेकिन सिर्फ इतना जान लेने के बावजूद भी हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है, इन नंबर्स में कौन सा ऑपरेशन लगेगा, किस तरह से लगेगा, लगेगा तो मल्टीपल रूल, लेकिन लगेगा कैसे, ये आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल बाय 9 करूँ प्लस 1 करूँ तो आपका 10 आएगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल बाय 9 कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल बाय 9 करूँ तो ये 90 तक पहुँच जाएगा, ठीक है, तो 90 से मैं कितना कम कर सकता हूँ, तो मुझे यहाँ पर 28 तक इसको कम करना है, तो ये जो रूल है ये यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है, मल्टीपल 9 वाला, क्योंकि ये इसके 2 के मल्टीपल में है, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई समथिंग ऐड करेंगे तब आपका ये आ जाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 10 के साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँ तब आपका 20 आएगा, और इसमें अगर मैं यहाँ पर 8+ करता हूँ तब आपका जाके 28 आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीपल जो है वो 2 के आसपास रखना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने मल्टीपल बाय 9 रखा है, ठीक है, मतलब ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर मैंने 1 से 10 बनाना है वो भी मल्टीपल रूल लगा के, तो वो मैं किसी और वे से भी बना सकता हूँ। देखिए कैसे, अगर मैं 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और 9 इसमें प्लस करता हूँ तो मेरा 10 आ जाएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा बताइए। 1, 1 का 1 + 9 = 10 आ गया, ठीक है। अब इसमें मैं मल्टीपल बाय 2 करूंगा तो कितना आएगा, 10 मल्टीपल बाय 2 यानी कि 20, 20 में मुझे 8+ करना है तो 28 बनेगा, यानी कि मल्टीपल बाय 2+8 आपका 28 बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर मुझे 1 करना है, यहाँ पर मुझे 2 करना है, अब यहाँ पर मुझे 3 करना है और देखते हैं कि कुछ बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो 28 मल्टीपल बाय 3 जब मैं करता हूँ तो 84 आता है, मतलब मुझे 84 में 7+ करने हैं तब जाके मेरा 91 बनेगा, यानी कि मल्टीपल बाय 3 प्लस
7। अब थोड़ा सा मुझे तसल्ली हो गई है कि ये जो रूल है ये थोड़ा सा सही लग रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर मल्टीपल बाय 1, मल्टीपल बाय 2, मल्टीपल बाय 2, मल्टीपल बाय 3, 9, 8, 7। मतलब यहाँ पर मुझे एक संख्या बढ़ानी है, मल्टीपल बाय 4 करना है, और यहाँ पर मुझे एक संख्या कम करनी है, यानी कि 7 से 6 लेके आनी है। ठीक है, तो 91 मल्टीपल बाय 4 364 आएगा, और इसमें मुझे 6 प्लस करना है तो कितना बनेगा, 370। यानी कि ये जो रूल है ये बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, मतलब अब मुझे 370 में मल्टीपल बाय 5 प्लस 5 करना है। ठीक है, तो मेरी जो नेक्स्ट संख्या है वो आ जाएगी। तो 370 मल्टीपल बाय 5 तो 1850, इसमें मुझे 5 प्लस करना है, यानी कि 1855 मेरी जो है वो नेक्स्ट संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी मेरा जो है वो सही आंसर होगा। तो आपको लास्ट संख्याओं को देख के ये पता लगाना है कि इसमें प्लस माइनस रूल लगेगा या फिर मल्टीपल रूल लगेगा। अगर आपको ये पता लग गया कि यहाँ पर मल्टीपल रूल लगेगा, तब आपको मल्टीपल रूल्स में ऐसा कौन सा रूल यहाँ पर लग सकता है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज हमने 20 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के कंप्लीट कर लिए है। अब आपको 30 क्वेश्चन इसके एज ए प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, आप कोई ना कोई बुक तो फॉलो करते होंगे, नहीं तो आप गूगल से नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगा के प्लीज देखना। तो 20 मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं, 30 आपको खुद करने हैं, टोटल आपको 50 क्वेश्चन जो है वो नंबर सीरीज के कंप्लीट करने हैं, तब जाके आपकी जो पकड़ है वो नंबर सीरीज पे बन जाएगी। ठीक है, बाकी जो बेसिक कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए कि सीरीज को कैसे पहचानना है। अगर लंबी सीरीज है, यानी कि एक सीरीज में मल्टीपल सीरीज हो सकती है, ठीक है, यानी कि पहला जो नंबर है वो तीसरे नंबर के साथ कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, दूसरा नंबर जो है वो चौथे नंबर के साथ कनेक्ट हो सकता है अगर लंबी सीरीज होगी तो। ठीक है, और अगर सीरीज पॉइंट्स में है और बीच बीच में डिवाइड में है, तब आपको उसको होमोजीनियस सीरीज में लेके आना है, यानी कि आपको उसको पॉइंट्स या फिर डिवाइड में लिखना है, पर आपको एक टाइप से लिखना है। ठीक है, अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हो तब आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, अगर आप डिवाइड में लिख रहे हो तब आपको डिवाइड में ही लिखना है। ठीक है, यानी कि आपको एक तरह से उस सीरीज को बनाना है। तीसरी बात, आपको लास्ट के दो नंबर देखने हैं कि अगर इनमें मल्टीपल बाय 2, मल्टीपल बाय 3 एंड सो ऑन ऐसा कुछ रिलेशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें आपका मल्टीपल रूल लगेगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तब आपको स्टार्टिंग के नंबर देखने हैं कि अगर यहाँ पर डिफरेंस कम है, मतलब यहाँ पर आपका प्लस माइनस रूल लगेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को आप सबसे पहले एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमारे हर एक लेक्चर की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना है, और आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस डालते रहते हैं, और आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस नंबर सीरीज की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट हम अल्फाबेट सीरीज लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक आपको नंबर सीरीज की प्रैक्टिस कर लेनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।